अरे लेकिन खाने का प्रबंध तो हम करने वाले थे। मैं समझा नहीं। वो महाराज, मैं बस देख रहा था कि ये खाना असली भी है या नहीं। मैंने जांच लिया है। ये सब क्या है महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हमारी तरफ से एक भेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नहीं महाराज, आप आज रात यहीं विश्राम कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा, अब हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। अजीब परेशानी से निकल रहा है ये राज्य, और हम इसकी कोई मदद भी नहीं कर सकते मुंजा। महाराज, समस्या बड़ी जटिल है, लेकिन कोई तो उपाय होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इस राज्य के अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण ले आए। हाँ, ये क्या था, चलो देखते हैं मुंजा। भगा ले हवा से भी तेज, उड़ा के ले चल, इस दुष्ट दानव से बचने का यही है हल। यहीं रुकिए, मैं जरा इसकी खबर लेकर आता हूँ। कौन है जिसने मेरे शिकार को मुझसे छीना है? वैसे तो मेरे बहुत नाम है, लेकिन पहले ये बताओ, ये कोई वक्त है इतना हल्ला करने का? लोग सो रहे हैं भाई, अब जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ अपने बिल में। मुंजा, इसी के हथियार को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, वरना ये यहीं इस बंजर जमीन में हमारी समाधि बना देगा। इसे कहते हैं उल्टा अपने मुंह की खाना। मेरा नाम है बरखा पुराण, और आप दोनों हैं कौन, कैसे किया उस दानव को मान? मेरा नाम मुंजा है, और ये है मेरे महाराज विक्रमादित्य। मैंने सुना है आपका नाम, आपकी वीरता का हम करते हैं सम्मान। ये तोहफा मेरी कृतज्ञता का है प्रमाण, क्योंकि आप दोनों ने बचाए हैं मेरे प्राण। ये हीरो से भरा एक झोला है, इसे कभी खाली नहीं होना है। मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मुझे हीरे जवाहरात की कोई अभिलाषा नहीं है। हाँ, अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं, तो कोई ऐसा झोला दीजिए जिसमें से हीरों की जगह अनाज निकाला जा सके, ताकि इस राज्य के लोग कभी भूखे ना रहे। आप केवल वीर नहीं राजा महान, राज्य धर्म के भी आप करते हैं सम्मान। पर मेरे पास नहीं आपकी समस्या का समाधान। काली पहाड़ी के जंगल के सबसे बड़े वृक्ष पर एक तांत्रिक लटका मिलेगा, उसके पास अन्नपूर्णा का झोला रहेगा। लेकिन वो हमें वो झोला क्यों देगा? पूर्णा के झोले के बदले वो हीरे ले लेगा, मगर संभल कर जरा, वो धोखा जरूर देगा। हम संभल कर ही जाएंगे, लेकिन बस उस जंगल में ही करती है उसकी शक्तियाँ काम, उसके बाहर है वो बिल्कुल नाकाम। अब चलने की तैयारी करो मुंजा। मुंजा, जरा देखो तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा नजर आ रहा है?
महाराज, ये जंगल तो एक भूल भुलैया है और बिल्कुल इसके बीचों बीच है वो सबसे बड़ा वृक्ष। मुंजा, तुम ऊपर से देखो और मुझे बताते रहो। लगाकर देखता हूँ। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, हमें बरखा पुराण ने आपके पास भेजा है। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ मेरी तपस्या भंग करने? भंग करने नहीं, हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। मदद करने आए हैं? आपकी तपस्या का फल देने आए हैं। क्या लाए हो? कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें सालों से तलाश है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। मेरा नाम है तांत्रिक विष पौधा। मैं नहीं करता कोई घाटे का सौदा। अरे वाह, आप भी कविता कह सकते हो। वक्त बातों में मत करो बर्बाद, ये बताओ कि क्या लाए हो सौगात? हीरे जवाहरात वाला झोला। तुम ये झोला ले लो और माँ अन्नपूर्णा का झोला हमें दे दो। बस इतनी सी बात, तो एक हाथ दो और एक हाथ लो, फिर अपने अपने रास्ते चलो। ये तो बहुत सरलता से मान गया, लेकिन इसकी बहन ने तो कहा था कि ये चालाक है। मुंजा, सतर्क रहो, चालाकी कभी भी हो सकती है। जाओ, ये झोला उसे दे आओ और वो झोला ले आओ। जाओ। यहाँ चलता है मेरा ही हुक्म। मुंजा, इन पक्षियों से ज्यादा देर तक लड़ने में अकलमंदी नहीं है। यहाँ से धीरे धीरे निकलना होगा, क्योंकि इस तांत्रिक की शक्तियाँ इस जंगल के बाहर नाकाम हो जाएंगी। चलो। जो हुकुम महाराज। पीछा करो, बच के ना निकलने पाए, वो झोला मेरे हाथ वापस आए। मुंजा, अब यहाँ से आगे कैसे चलें? मेरे पीछे आइए महाराज। अब हम चलते हैं। हम आपका और मुंजा का ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। देखा दोस्तों, मेरे महाराज विक्रम तो हर बार सबकी परेशानी दूर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ, देखो, जानो और समझो। समझ गए ना? पता है दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य को परमवीर योद्धा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर कठिनाई का डट कर सामना करते हैं। तो चलिए, आप खुद चलकर देख लीजिए, क्योंकि जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो ही समझोगे ना। हमारे राज्य ने इस वर्ष काफी तरक्की की है, इसलिए हम अपने सभी मंत्रियों को उनके किए गए काम के लिए पुरस्कार देना चाहते हैं। अरे, राज्य के वित्त मंत्री चारुदत्त कहाँ है? महाराज,
वित्त मंत्री चारुदत्त की पुत्री सुकन्या का स्वास्थ्य अत्यधिक चिंताजनक है, इसीलिए वो दरबार में नहीं आ सके। क्या? हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। चारुदत्त जी, आपने हमें बताया नहीं कि आपकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक से सुकन्या को क्या हो गया। राजवैद्य जी, क्या हुआ है सुकन्या को? सुकन्या को नाड़ी रोग हुआ है। नाड़ी रोग? ये रोग अत्यंत घातक है, इसका इलाज पृथ्वी पर संभव नहीं है। मेरी बच्ची। चारुदत्त जी, हिम्मत रखिए। राजवैद्य जी, कोई तो उपाय होगा। इसका केवल एक ही इलाज है, चंद्र पुष्प से निकला हुआ अमृत। ये कहाँ है और कहाँ मिलेगा? ये एक ऐसा पुष्प है जो हर पूर्णिमा की रात्रि को हिमालय में खिलता है। उसके रस को किसी भी नाड़ी रोग से पीड़ित रोगी को पिलाने से उसकी जान बच सकती है, किंतु किंतु क्या वैद्य जी? मुंजा, आज अमावस्या है और पूर्णिमा आने में अभी 15 रात्रि बाकी हैं। हमें आज रात्रि को ही कुछ करना होगा। महाराज, आपको विश्वास है कि चंद्रदेव हमारी सहायता करेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रदेव अपने प्रकाश को आज रात ही उस पुष्प पर बिखेरेंगे ताकि उसमें से अमृत निकल सके। महाराज, चंद्रलोक तो हम आ गए, लेकिन चंद्रदेव कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। महाराज विक्रम, कहिए कैसे आगमन हुआ आपका चंद्रलोक में? चंद्रदेव, हमें आपकी सहायता चाहिए। हमारे वित्त मंत्री की बेटी को नाड़ी रोग हो गया है और वो चंद्र पुष्प के रस से ही ठीक हो सकता है। ये असंभव है, हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। आज अमावस्या है, अब आप जाइए, हमें इंद्रदेव की सभा में जाना है। चंद्रदेव, किसी का जीवन बचाने के लिए नियम तोड़ा जा सकता है, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। तब हमें आपका अपहरण करना होगा। हमें क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव। हमें छूना इतना सरल नहीं है। नहीं महाराज, इन्हें मारने पर चंद्रदेव का अपमान होगा। तुम ठीक कहते हो मुंजा। आप ठीक तो है ना? विक्रम, अब भी समय है, लौट जाओ। आज मैं आपको बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा।
विक्रम, तुमने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाए बिना ही उन्हें पराजित कर दिया। तुमने हमारा सम्मान और भी बढ़ा दिया। हम अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। देखिए चंद्रपुष्प। अब थोड़ी ही देर में इस पुष्प से अमृत रस निकलेगा, जिसे पीकर सुकन्या का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, ये अमृत रस तो मुझे ही मिलना चाहिए। इसे पीकर तुम्हें और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर मुझसे कोई नहीं जीत सकेगा। जल्दी जल्दी से खिल जा पुष्पराज, मैं बेचैन हूँ तेरा रस पीने को। अरे ये कौन है? ये तो कोई राक्षस है, इसे रोकना होगा महाराज। सावधान, तुम जो कोई भी हो इस पुष्प से दूर रहो। अरे वाह, बड़े आए मुझे दूर करने वाले। मैं तो इस पुष्प का अमृत रस चखकर ही रहूंगा। महाराज, किसी भी हालत में चंद्रदेव के प्रकाश को पुष्प पर आने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। शांत हो जाओ। मेरे महाराज को जो भी चोट पहुंचाएगा